हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ और आज हम खीर बनाएंगे वैसे खीर की रेसिपी जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है लेकिन आज ये जो खीर हम बनाएंगे वो थोड़ा सा उसमें हम आ, कुछ अलग करेंगे तो नॉर्मली जैसे हम खीर बनाते हैं वैसे हम उसे बनाएंगे और फिर हम इसमें कैरमलाइज शुगर का हम इसमें फ्लेवर देंगे तो शुगर को हम कैरमलाइज करेंगे और फिर उस कैरमलाइज शुगर को हम इस खीर में डालेंगे तो इससे दो चीज़ें होती हैं सबसे पहले खीर में एक बहुत ही अच्छा लाइट रेडिश ब्राउन कलर आता है नेचुरल वे में और ये बहुत ही एपिटाइजिंग लगता है बहुत ही अच्छा दिखता है और एक सटल जो कैरमलाइज शुगर का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा अर्दी टेस्ट होता है वो भी खीर में आ जाता है और बहुत ही अच्छा ये टेस्ट करता है तो चलिए आज ये जो कैरमलाइज खीर ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी डिलिशियस और इंटरेस्टिंग रेसिपी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये जो कैरमलाइज खीर बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो देख लेते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दूध फिर हम लेंगे चावल मैं यहाँ बासमती राइस यूज़ कर रहा हूँ जिन्हें मैंने भिगो के रखा है लगभग दस से पंद्रह मिनट तक इसके अलावा हमें चाहिए होगा चीनी मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स और छोटी इलायची काजू किशमिश बादाम और छोटी इलायची फ्लेवरिंग के लिए तो यही सब इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं और इसकी जो डिटेल्ड क्वांटिटी uh, है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है तो प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिएगा तो चलिए कैरमलाइज ब्राउन खीर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक पॉट uh, में या हंडी में हम जो दूध है उसे हम मीडियम uh, फ्लेम पे लगभग 10 से 12 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे तो इसमें दूध में जो छोटी इलायची का फ्लेवर खीर में लाने के लिए हम इसमें तीन से चार छोटी इलायची हम इसमें डालेंगे तो बेसिकली हम वेट करेंगे जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसमें लगभग 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसमें लग जाएंगे तो जब इसमें एक अच्छा खासा उबाल आ जाए फिर हम इसमें जो सूप किए हुए बासमती राइस हैं वो हम इसमें डालेंगे तो दूध को आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपको स्टर करना होता है ताकि दूध नीचे से चिपक कर ना चले तो आप इसे रेगुलरली स्टर करते रहें और 10 से 12 मिनट में इसमें एक बहुत ही अच्छा उबाल आ जाएगा तो दोस्तों लगभग 10 से 12 मिनट तक दूध को उबालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा बॉयल आ गया है तो अब हम इसमें जो सोक किए हुए बासमती चावल हैं वो हम इसमें डाल लेंगे तो यहाँ जो दूध और चावल का जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हमने लगभग इसमें एक लीटर एक से डेढ़ लीटर दूध यूज़ किया है तो इस हिसाब से इसमें लगभग हाफ़ कप बासमती चावल हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा और एक कप से थोड़ा सा कम हम इसमें बासमती चावल इसमें लेंगे तो हमने इसमें वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर दूध यूज़ किया है इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा बासमती चावल हमने इसमें लिया है तो उसी रेशियो के हिसाब से आप अपना दूध और चावल का क्वांटिटी आप एडजस्ट करें तो चावल डालने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से इसे स्टर कर लेंगे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे लगभग 40 से 45 मिनट या एक घंटे तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है तो बीच बीच में आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें एक से दो मिनट के लिए और फिर आप इसे आ, फिर से मीडियम पे ले आए और इसे आपको रेगुलर इंटरवल्स पे स्टर करते रहना होता है ताकि दूध नीचे से ना लगे और इसके जलने का खतरा ना हो तो अब हम इसे लगभग 40 से 45 मिनट तक हमें इसे कुक करना है तो अब हमें इस दूध और चावल के मिक्सचर को तब तक पकाना है जब चावल अच्छी तरह से कुक ना हो जाए लगभग मशी एकदम गल ना जाएँ तो दूध को आपको जो दूध और चावल का मिक्सचर है उसे आपको रेगुलरली स्टर करता करते रहना होता है तो अब हम इसमें जो मिल्क पाउडर है उसमें थोड़ा सा गर्म दूध मिक्स करके हम उसे इसमें डालेंगे तो अगर आप चाहें यहाँ आप खोया या मावा डाल सकते हैं नहीं तो आप मिल्क पाउडर इसमें डालें तो इससे हमारा जो खीर है वो थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा थोड़ा सा रिच बनेगा तो वही प्रोसेस हमें इस मिक्सचर को रेगुलर इंटरवल्स पे हमें स्टर करते रहना होता है और जैसा कि मैंने कहा था हमें लगभग 30 से आ, 40 मिनट इसमें लगेंगे तो आपको देखना है कि चावल एकदम पक जाना चाहिए एकदम गल जाना चाहिए अच्छी तरह से और तब हमारी जो खीर है वो बनकर रेडी हो जाएगी तो तब तक हमें इसे रेगुलर इंटरवल्स पर स्टर करते रहना होता है और वेट करना होता है तो अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमारे पास थे जैसे कि काजू बादाम और किशमिश वो भी हम इस खीर में हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे तो अब हम जो इस खीर का जो मेन पार्ट है कैरामलाइज शुगर उसे हम बनाएंगे। उसके लिए हम एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसे एकदम हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम इसमें लगभग दो टेबल स्पून चीनी और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे दो या तीन या चार टेबल स्पून चीनी और इसमें थोड़ा सा उसे गीला करने के लिए उसमें हम पानी डालेंगे और इसे कंटिन्यूसली हम उसे स्टर करते रहेंगे तो यहाँ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इस मिक्सचर को कंटिनुअसली स्टर करते रहना होगा जब तक कि शुगर एकदम कैरमलाइज ना हो जाए इसमें एक डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए तो इसमें लगभग तीन से चार या पाँच मिनट लग सकते हैं तीन से चार मिनट लगते हैं तो आपको इस शुगर के मिक्सचर को कंटिनुअसली स्टर करते रहना होता है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो शुगर का जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे ब्राउनिश कलर पकड़ रहा है एकदम थोड़ा थोड़ा सटल ब्राउन कलर इसमें आ रहा है तो इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है तो आप देख सकते हैं हमारा जो कैरमलाइ शुगर है उसमें ब्राउनिश कलर थोड़ा थोड़ा प्रोमिनंट हो रहा है और इसमें कलर बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ रहा है तो जब ये एकदम डार्क ब्राउन कलर में आ जाए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस कैरमलाइज शुगर को हम जो खीर हमारा बन रहा है उसमें हम डाल लेंगे तो हमें जो कैरमलाइज शुगर हमने प्रिपेयर किया था उसे हमें जो हमारा खीर पक रहा है उसमें हमें इसे डालना है तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि पहले जो हमारे खीर का कलर एकदम वाइट था उसमें एक हल्का हल्का रेडिश ब्राउन कलर इसमें आपको दिख रहा होगा और जैसे जैसे हमारी जो खीर है वो पकती जाएगी ये जो रेडिश ब्राउन कलर है और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और ज़्यादा रेडिश ब्राउन कलर इसमें आ जाएगा तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर है ये बहुत ही अच्छा दिखता है इसमें बहुत ही एपेटाइजिंग लगता है तो जैसे जैसे हमारा खीर पकेगा ये रेडिश ब्राउन कलर और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जाएगा तो हमारा जो खीर है वो लगभग थर्टी से थर्टी फाइव मिनट्स तक कुक हो रहा है अब हम एकदम आखिर के स्टेज में जो आखिर के 15 से 20 मिनट होते हैं उसी फेज में हम इसमें जो शुगर है वो हम इसमें डालेंगे तो शुगर आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आपको इसमें डालना है तो शुगर डालने के बाद फिर से हमें इसे अच्छी तरह से स्टर करते रहना होता है इसे मिक्स करना होता है तो आप देख सकते हैं हमारा जो चावल है वो एकदम सॉफ्ट हो गया है और एकदम कुक हो तो और एकदम उसे थोड़ा सा इसे मशी करना है ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए तो इसमें और लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे और मीडियम और लो फ्लेम के बीच में हम इसे कुक करेंगे और बीच बीच में थोड़े थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक से दो मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे भी कर लेंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे तो और 10 से 15 मिनट और हमारा जो खीर है वो एकदम बनकर रेडी हो जाएगा तो दोस्तों चीनी डालने के बाद 10 से 15 या 20 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद हमारा जो खीर है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक सटल लाइट रेडिश ब्राउन कलर इसमें आया है और कितना एपेटाइजिंग ये लगता है कितना अच्छा ये दिख रहा है तो जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमारी जो खीर है और ज़्यादा कुक होगी ये जो कलर है और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जाएगा तो दोस्तों हमारा जो खीर है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है तो दोस्तों हमारा जो कैरमलाइज्ड ब्राउन खीर है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है और काफ़ी एपेटाइजिंग काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस ये दिख रहा है और टेस्टी तो ये है ही तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इस तरह से ज़रूर अपने घर में खीर बनाएंगे और आ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार